चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ कर्मचारियों को लगा है बड़ा झटका। चुनाव की वजह से लटकी एरियर की अधिसूचना, अब चुनाव के बाद ही जारी हो सकती है एरियर की अधिसूचना। शनिवार को लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान की वजह से अब कर्मचारियों के नए वेतनमान के एरियर की अधिसूचना नहीं हो पाएगी। हालांकि एरियर को लेकर सीएम ने बजट में घोषणा की थी और उसकी अधिसूचना भी जारी कर दी गई थी, लेकिन उस अधिसूचना को कर्मचारियों के विरोध के बाद वापस ले लिया गया था। दरअसल एरियर का जो फॉर्मूला बनाया गया था उसके हिसाब से किसी एक कर्मचारी को एरियर देने में 33 साल लग जाते, क्योंकि सरकार ने अधिसूचना में कर्मचारी को प्रति महीना 0.25 की दर से एरियर देने का फॉर्मूला बनाया था, जिससे साल भर में कर्मचारी को केवल 3% एरियर मिलता। उदाहरण के तौर पर यदि किसी कर्मचारी का एरियर 1,00,000 है तो उसे 250 रुपये प्रति माह मिलते तथा साल भर में 3,000 रुपये मिलते। ऐसे उसको पूरा एरियर मिलने में 33 साल लग जाते। यह एक हास्यास्पद अधिसूचना थी जिसे सरकार ने 2 ही दिन में वापस ले लिया। अब आचार संहिता लगते ही कर्मचारियों को 1 मार्च 2024 से घोषित एरियर नहीं मिल पाएगा, ऐसी संभावनाएं बनी हुई है, क्योंकि 16 मार्च को लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा और इसके बाद प्रदेश और देश भर में आदर्श आचार संहिता लग जाएगी। ऐसे में एरियर मिलने की संभावनाएं ना के बराबर है। हालांकि अभी भी 1 दिन शेष है और चुनावी बेला में अंतिम समय में कुछ भी हो सकता है, लेकिन एरियर ना मिलने की संभावना के लिए एक और कारण भी नजर आ रहा है। अभी पेंशनर्स के लिए हिमाचल सरकार ने अधिसूचना जारी की है। इसमें मार्च महीने में लगभग 407 करोड़ पेंशनर्स को एरियर देने पर खर्च हो जाएंगे। यहाँ पर 78 करोड़ केवल उन पेंशनर्स को एरियर देने पर खर्च हो जाएंगे जो अब इस दुनिया में नहीं है, क्योंकि सरकार ने जो अधिसूचना जारी की है उसमें कहा गया है कि ऐसे पेंशनर्स जो मृत्यु को प्राप्त हो गए हैं उन्हें पूरा एरियर एक मुश्त दिया जाएगा। नए वेतनमान के संशोधन के बाद पेंशन में भी संशोधन किया गया था और उसके बाद पेंशनर्स को एरियर देने की अधिसूचना पिछले ही दिनों सरकार द्वारा जारी कर दी गई है। इस अधिसूचना के बाद मार्च महीने में ही हिमाचल सरकार को 407 करोड़ खर्च करने होंगे और ऐसे में हिमाचल सरकार इस माह शायद ही कर्मचारियों के एरियर का बोझ सह पाए, इसलिए एरियर की अधिसूचना होना अभी के लिए मुश्किल लग रहा है। हालांकि सुक्खू सरकार कभी भी चौंका सकती है, इसलिए कर्मचारियों को 16 मार्च का इंतजार रहेगा। फिर यदि 16 मार्च को ये अधिसूचना नहीं होती तो लोकसभा चुनाव के बाद ही कोई नई अधिसूचना एरियर को लेकर सामने आएगी।